हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था, आज हम उसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4th इज ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and 2x plus 4. Find gx. देखिए, हमें इस क्वेश्चन में px, gx, qx and rx, ठीक है, इन चारों क्वेश्चन में हमको gx गिवन नहीं है, px है आपके पास, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x माइनस 2, रिमाइंडर आपको दिया है माइनस 2x प्लस 4, राइट। आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है, जिसमें से डिविडेंड आपका क्या है। देखिए, px आपको क्या दिया, आपको इस इक्वेशन को किससे हम डिवाइड करें कि हमको, हमें क्वेश्चन तो गिवन है वो हम यूज कर देते हैं x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4, राइट। ये डिवाइजर हमें गिवन नहीं है तो यहां लिखा देते हैं हम एज इट इज डिवाइजर, और डिविडेंड की वैल्यू हमारे पास गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन से अगर इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा डिवाइजर। कैसे, ये इक्वेशन हम एज इट इज उतारते हैं, इक्वल टू डिवाइजर, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये पहले तो ये इसी के साथ रहेगा, ये सॉल्व क्यों होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन को आप उठाकर यहां ले जाइए, हम पहले इसको यहां ले आते हैं, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस 2x यहां आएगा तो प्लस 2x, प्लस 4 यहां आएगा तो माइनस 4, इक्वल टू में डिवाइजर इनटू एक्स माइनस 2, राइट। अब देखिए, इसमें से x x को सॉल्व कर लीजिए और नंबर 2x और x, ये हुआ आपका 3x, प्लस 2 और माइनस 4 क्या होता है, देखिए प्लस 2 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 बड़ी डिजिट का साइन, इक्वल टू डिवाइजर इनटू एक्स माइनस 2। अब ये हो रहा है यहां पर मल्टीप्लाई, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इस वाली इक्वेशन को हम लिख देते हैं इसके नीचे एक्स माइनस 2, ये आ गया हमारा डिवाइजर। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा डिवाइजर मिल जाए। तो अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, देखिए ये डिनोमिनेटर में है, ये बाहर लिखते हैं, अंदर हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब करें, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको x क्यूब मिल जाए, तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें x क्यूब मिल जाए, तो देखिए ये 1 है, हमें कितने और x चाहिए 2, तो यहां लिख देंगे हम x रेज टू द पावर 2, ये दो वैल्यू है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करने पे दो आंसर आने चाहिए, x से x स्क्वायर को करा x क्यूब, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया, यहां माइनस का साइन यहां प्लस का, क्योंकि साइन हमेशा चेंज होते हैं, ये कट गया, क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि हमें माइनस करके, जब हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो भी माइनस करते हैं, इसमें भी हमने माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस 3 में 2 गया 1x स्क्वायर, साइन बड़ी डिजिट का प्लस 3x माइनस 2, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1x स्क्वायर मिल जाए वो भी माइनस का, तो देखिए एक तो माइनस चाहिए
एक वन चाहिए और यहाँ एक एक्स है और एक एक्स और चाहिए क्योंकि वन और वन होके टू हो गए, तो माइनस वन एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा वन एक्स स्क्वायर और माइनस टू को माइनस वन से करेंगे प्लस टू और एक्स, ठीक है। यहां साइन बदलेंगे प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस की जगह माइनस, प्लस माइनस माइनस वन एक्स माइनस टू। अब एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें वन एक्स आ जाए, तो हम करेंगे वन से मल्टीप्लाई, वन को एक्स से किया वन एक्स, टू को वन से किया टू, ये माइनस ये प्लस, ये आपका आपके क्या आ गया जीरो। इट मीन्स इसको सॉल्व करके जो ये वैल्यू आई ये आपकी क्या हुई डिवाइजर मीन्स जी एक्स जो हमें क्वेश्चन में मांगा था। तो इस क्वेश्चन में जी एक्स फाइंड हमने कैसे किया, हमने डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर का फॉर्मूला लगाया और उससे सॉल्व करके हमने जी एक्स फाइंड आउट किया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड फर्स्ट इज डिग्री पी एक्स इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। आपको इन चारों चीजों को लेके जो पॉलिनोमियल में हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है उसको यूज करते हुए आपको बताना है एक ऐसा एग्जाम्पल जिसकी पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल हो, यानी कि पी एक्स की डिग्री जो है वो क्यू एक्स के इक्वल बताने के लिए हमें कोई भी एक एग्जाम्पल लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से लेट पी एक्स को एक्स स्क्वायर मान लेते हैं और जी एक्स को वन ले लेते हैं। आप कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं पर मैंने ये वैल्यू इसलिए ली, तो देखिए हमने क्यों ली कि एक्स स्क्वायर को अगर आप वन से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर सी, ठीक है। अब यानी कि हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इससे हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये इस जो पहला जो पहली इक्वेशन है उस पर सही बैठेगा या नहीं। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम कहता है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस ए, हाँ ए प्लस आर एक्स, यानी कि क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर और डिविडेंड। अब पी एक्स हमने क्या लेट किया एक्स स्क्वायर, उसे यूज करते हैं। जी एक्स क्या है वन, क्वेश्चन कितना आया आपका एक्स स्क्वायर, रिमाइंडर कितना है आपका जीरो। आप इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया, बराबर है, और हम कह सकते हैं डिग्री पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री आपकी क्या आ गई टू, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल, ठीक है। यही देख लीजिए ये और ये डिग्री क्या है सेम है। तो ये था इसका पहला, जरूरी नहीं है एक्स स्क्वायर और वन, आप चाहें तो इससे बड़ी डिजिट एक्स स्क्वायर प्लस वन या उससे बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। ये सिंपल था जिसमें सबसे सिंपल वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर और वन ली। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है डिग्री क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री आर एक्स, यानी कि क्वेश्चन की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स भी ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, सेम ले लिया, डिवाइड करके देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर क्या आया जीरो, ठीक है। अब हम इसे यूज करके देखते हैं क्यू एक्स की प्लेस पे, आपका डिवीजन एल्गोरिथम क्या है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स की प्लेस पे एक्स स्क्वायर, जी एक्स की स्पेस पे एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स आपका वन प्लस रिमाइंडर जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इस दोनों में भी क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री आर एक्स आ गए। ये तो था सिंपल, मान लीजिए इसकी जगह हम थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम इसे चेंज करके
एक और एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब इसमें हम ट्राई कर लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और यहां ले लेते हैं एक्स माइनस वन, ठीक है। अब एक्स माइनस वन से हम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को डिवाइड करके देखते हैं, तो देखिए एक्स से करेंगे एक्स 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 स्क्वायर, वन को एक्स से करेंगे ये आएगा आपके पास माइनस वन एक्स, राइट। ये तो कट गया, ये प्लस, यहां इसको पहले उतारिए वन एक्स प्लस थ्री। अब एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स करें तो हम करेंगे प्लस वन, वन एक्स वन वन जा वन, ये आया कट गया, ये आपका आ गया फोर। इस इक्वेशन को यूज करके देखते हैं, तो देखिए पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, जी एक्स आपका एक्स माइनस वन, क्वेश्चन आया आपका एक्स प्लस वन एंड रिमाइंडर आया आपका फोर। यहां आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इसे सॉल्व कीजिए ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां उतारा प्लस फोर। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन्हें सॉल्व करेंगे फोर माइनस वन थ्री साइन प्लस का, तो ये आपका क्यू एक्स और जी एक्स जो इधर लिखा था उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमने अपनी मर्जी से पी एक्स और जी एक्स लिया, तो हमारा ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपको मिल गया। डिग्री देखिए दोनों सेम है, ठीक है। अब करते हैं इसका लास्ट थर्ड पार्ट। अब है डिग्री आर एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि डिग्री आर एक्स इक्वल टू जीरो शो करनी है। तो देखिए अगर इसमें भी हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले, पी एक्स ले लीजिए आप एक्स स्क्वायर, जी एक्स ले लेते हैं हम सेम एक्स, सॉल्व करेंगे क्या आएगा वन जीरो। यूज करिए पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या आया वन, रिमाइंडर क्या आया जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पर जो डिग्री आर एक्स इक्वल टू जीरो वो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस से सेटिस्फाई होते हैं। अब हम इसी को एक और एग्जांपल से लेके देखते हैं, जो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन कुछ और वैल्यू चेंज करके इसको चेक करते हैं। देखिए इस टाइम हम पी एक्स को ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और जी एक्स को ले लेते हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स से एक्स को किया एक्स स्क्वायर कैंसिल और वन बच गया, ठीक है। अब हम ये हमारा क्या हो गया कोशेंट, ये हमारा रिमाइंडर, यूज करते हैं यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी एक्स एक्स, क्वेश्चन आपका क्या है एक्स और रिमाइंडर क्या है वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर या आया प्लस वन, तो आपका एल एच एस जो आर एच एस के इक्वल आया, यानी कि डिग्री आर एक्स इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।